रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग एंड टू देयर लोएस्ट फॉर्म। हमने जो कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनको जितना मुमकिन है रिड्यूस करेंगे, ठीक है, उनके लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर जब 1 मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको शायद बात वाजिब हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद अगर मैं इसको देखिए, इसी को ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर मैं इसको अच्छा, इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, रेडिकल बोलते हैं ना ये साइन, आप याद रखें। अब मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ। डिवाइड में जब भी जो न्यूमरेटर में होते हैं वो हम ऐसे रेडिकेन इस्तेमाल करते हैं, और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हम हमेशा ऐसे इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पी स्क्वायर माइनस 100 हम यहाँ पर रखेंगे, और इसको पी स्क्वायर प्लस 10। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको सुप 1 ये है मेरे पास जिसके थ्रू पी पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 से मैं इसको जरा डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस 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 10 1 जा, ठीक है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, सुफियान साहब तवज्जो के साथ सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो नीचे जो चीज़ मौजूद होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पे प्लस है ना कुछ भी ना हो तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूँ, है किसी का एतराज़, नहीं एतराज़, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की। 100 पे आप 10 प्लस करें तो 1 1 10, लेकिन माइनस के साथ। बात वाजी है, बात वाजी है। अब अली देखें, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। इसको आप देखें, हाँ, इसको आप इसकी जगह पे लेके जाएं, 1 को आप इसकी जगह पे लेके आए, और इसको आप इसकी जगह पे लेके जाएं। कैसे, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं इसके आंसर लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे लेके आएंगे तो 1, ठीक है, 1, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको इसकी जगह पे लेके आया माइनस 1 1 0, और ये इसकी जगह पे आ गए तो पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। आपके पास ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, या ये आंसर है, ठीक है, 1 माइनस 1 1 10 आवर पी स्क्वायर प्लस 10। स्टूडेंट जल्दी से आंसर चेक कीजिएगा, आंसर चेक कीजिएगा, आंसर चेक कीजिएगा, गॉट इट। आप ये दोनों में से दोनों सही है, ठीक है, दोनों में से आपके पास एक आंसर के लिए हो सकता है। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सबसे पहले आप दोबारा से इसको सॉल्यूशन लिखें, फिर क्वेश्चन को दोबारा से लिखें। अब आप लोग मेरी बात सुने, यहां से मैं चाह रहा हूं 3a को कॉमन ले लूं, और यहां से भी मैं चाह रहा हूं 3a को कॉमन ले लूं। वजह यह है जी, ये इन दोनों में से सही है ना, जो भी लिखे आप आंसर सही है। अच्छा,
अब देखिए बात सुने, थ्री ए क्यों कॉमन ले रहा हूं मैं? आप पूछ सकते हैं सर आप थ्री ए क्यों कॉमन ले रहे हैं? मैं थ्री ए इस वजह से कॉमन ले रहा हूं क्योंकि थ्री ए इसमें भी है, थ्री ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और तो और इसमें भी है। इस वजह से देखें, अब मैं यहां से थ्री ए को कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? थ्री ए बाहर निकलाएंगे, क्या बचेगा? बी। और यहां पे क्या बचेगा? थ्री ए एक बाहर आ गया तो यहां पे जस्ट ओनली ए बचेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि थ्री तो बाहर आए, एक ए बाहर आया, सिर्फ एक ए अंदर बच गया। कॉमन लेने से ऐसा होता है, ठीक है। और यहां पे आप जरा देखें, अगर मैं यहां से थ्री ए कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? यहां पर तो सिर्फ एक ए बचेगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे थ्री कितना था? सिक्स, टू था सिक्स, तो टू भी बचेगा। और प्लस यहां पे थ्री ए बाहर आया, अंदर सिर्फ क्या बच गया? बी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर बच गया। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं थ्री ए से थ्री ए को कैंसिल आउट करूं तो है किसी का एतराज? बिल्कुल भी एतराज नहीं है। मजीद हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके नहीं आ सकते, तो योर आंसर शुड बी बी माइनस ए ओवर ए प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। चेक योर आंसर प्लीज एट द एंड ऑफ योर बुक, चेक योर आंसर। यही आंसर होना चाहिए। क्या यही आंसर है? आइए क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफा खुद से लिख लें, ठीक है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जो है ना सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्व कर रहा हूं इसको, जरा देख लीजिएगा। देखें यहां पे तो मेरे पास कोई चारा एकार नहीं है कि मैं इसको मजीद लवज के अंदर कन्वर्ट कर सकूं, और यहां पर भी सिचुएशन ऐसा ही है, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐसे ही मैंने नीचे लिख लिया। यहां पे मैं कुछ चेंजेस लेके आ सकता हूं। यहां पे मैं ए स्क्वायर चूंकि दोनों में है तो कॉमन ले सकता हूं। बेटा पहले आप इधर देखिए, आप लोग बाद में लिखें। यस, ए कॉमन ले सकता हूं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ए है, दोनों में ए है ना, तो ये ए कॉमन लिया तो कितना यहां पे ए कितना बच गया? ओनली वन ए हियर, ठीक है। तो यहां से तो ए बाहर चला गया तो यहां पे जस्ट बी बच गया, ऐसा ही है। और यहां पे दोनों में टू है तो मैं टू कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा से नीचे लिख रहा हूं, देखो कैसे ए माइनस बी ओवर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहां पे काम हमने इस दफा काम इस पोर्शन पे करना है। क्या आप लोग नहीं जानते, क्या आप लोग नहीं जानते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी? क्या आप लोग ये नहीं जानते? अगर आप लोग ये बात जानते हैं तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ये लिख लूं, परेशानी तो नहीं होंगी फिर? बिल्कुल भी नहीं होंगी। आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए माइनस, आइए स्टूडेंट्स अब कैंसिलेशन की बारी है। यहां से a प्लस बी और यहां से a प्लस बी, ऐसा ही है, बोले ना ऐसा ही है। यहां से a माइनस बी, वहां से a माइनस बी, ऐसा ही है। अब जबकि जबकि ऐसा ही है तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा? आंसर में ऊपर तो सिर्फ एक a नजर आ रहा है मुझे, इसके साथ नीचे कोई नहीं है, वरना हम इसको काट देते हैं। जनाब एक बात आपको वाजिह कर दूं, यहां पे जो ए है ना, नीचे जो ए है
इन दोनों को खबरदार कोई कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, उस वक्त कैंसिल आउट करेंगे जब अगर यही है यहाँ पे किसी दूसरी चीज के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में होता। जनाब मल्टीप्लाई फॉर्म में होता अगर है तभी हम कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ पे मसला ये है, ये बी के साथ प्लस में है और कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ ऑपरेशन प्लस साइन के साथ मौजूद हो और ऊपर 21 मल्टीप्लाई में मौजूद हो और उन दोनों को काटे सेम होने की वजह से, तो ये एक तरह से बेवकूफी होगी हमारी। ठीक है, तो देखो बचा क्या आपके पास आखिर में ए और, ठीक है, यहां पे 2 × ए प्लस बी। स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर चेक कीजिएगा, जल्दी से आंसर चेक करें। दिस शुड बी योर आंसर।